वेलकम टू माय चैनल शिवप्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम कार्न रूट वर्ड लिया हूँ, जिसके अंतर्गत इसका अर्थ होता है फ्लेश या बॉडी, उसके बाद या मीट होता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं, आज मैंने रूट वर्ड लिया हूँ कार्न। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फ्लेश और मीट, हिंदी में मांस। अब दोस्तों इससे जो वर्ड बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलो देखते हैं कौन कौन सा वर्ड इससे बनते हैं। कार्नेज है, कार्नेज मीन्स होता है दोस्तों हिंदी में हत्याकांड। इट इज अ मास स्केल ऑफ डेथ ऑफ पीपल। मास स्केल डेथ ऑफ पीपल। दोस्तों बड़े पैमाने पर जो लोगों की हत्या होती है उसे कहते हैं मास स्केल ऑफ डेथ। मास स्केल डेथ ऑफ पीपल, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या, जिसे हिंदी में कहते हैं हत्याकांड। करनाल दोस्तों इसका मीन होता है दोस्तों रिलेटेड टू द बॉडी और फ्लेश। जो दोस्तों बॉडी या फ्लेश से संबंधित होता है उसे करनाल कहा जाता है। कैरियोन होता है दोस्तों, कैरियोन मीन्स होता है आ फ्लेश व्हिच इज अनफिट फॉर कंज्यूम एज अ फूड। जो दोस्तों सड़ी मांस होती है या खराब होती है, जो हमारे कंज्यूम के लिए या उपभोग के लिए ठीक नहीं होती, उसे कैरियोन कहा जाता है। अ फ्लेश विच इज अनफिट फॉर फूड। आज दोस्तों एक मांस होती है जो अनफिट होती है खाने के लिए, राइटिंग फ्लेश होती है सड़ी हुई मांस होती है जिसे नहीं खाया जा सकता है या अनफिट होती है खाने के लिए, उसे कहा जाता है कैरियोन। उसके बाद है दोस्तों इनकार्नेट। इनकार्नेट मीन्स होता है रिलेटेड टू द बॉडी फॉर्म। जो दोस्तों शरीर से संबंधित होती है, जिस प्रकार के हमारे शरीर को शेप दिया जाता है उसे इनकार्नेट की कहा जाता है। इनकार्नेशन मीन्स होता है दोस्तों आइडिया हुई चीज एक्सप्रेसिंग इन द पर्सोनिफिकेशन। एक आइडिया विचार को दोस्तों जिसे मानवीकरण दिया जाता है उसे कहते हैं इनकार्नेशन। आइडिया विच गिव टू पर्सोनिफिकेशन। एक विचार को दोस्तों या आइडिया को जिसे एक मानवीकरण में परिवर्तन किया जाता है उसे इनकार्नेशन कहते हैं। री इनकार्नेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, री मीन्स होता है रिपीट या दोबारा, कार्नेशन मीन्स होता है जन्म। रीबर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों किसी जीव का पुनः जन्म होता है उसे कहते हैं री इनकार्नेशन। डिस इनकार्नेशन रिमूव ऑफ इसेंस। रिमूव ऑफ इसेंस दोस्तों इसका मतलब होता है किसी को कोई बॉडी है उसके जो है उसको अलग कर देते हैं, उसे कहते हैं रिमूव ऑफ एसेंस। उसका जो एक महत्वपूर्ण होता है या जरूरी होता है उसे निकाल देते हैं, उसे कहते हैं डिस इनकार्नेट। उसके बाद है कार्नेल, इसका मीन्स होता है दोस्तों बैड डेथ ऑफ एनीथिंग। इंडिकेटिव ऑफ बैड डेथ।
दोस्तों किसी को कोई मतलब संकेत मिलता है इसका बहुत बेकार मौत होगी, उसे कहते हैं कार्नेल, इंडिकेटिव ऑफ बैड डेथ। उसके बाद है कार्निवाल, कार्निवाल होता है दोस्तों इट इज पब्लिक फेस्टिवल पब्लिक फेस्टिवल टेक प्लेस इन स्ट्रीट। दोस्तों ये पब्लिक फेस्टिवल है जो कि गलियों में होता है या मैदान में होता है, उसे कहते हैं कार्निवल। कार्नेसल दोस्तों इट इज रिलेटेड टू द मोलर और प्री मोलर फॉर सीयरिंग ऑफ द फ्लेश। दोस्तों ये कार्निवल जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत होता है जो मांस को खाने के लिए प्रयोग करते हैं। इट इज रिलेटेड टू अपर प्रीमोलर एंड लोअर मोलर। फॉर शियरिंग ऑफ फ्लेश। दोस्तों कार्नेसल है इट इज रिलेटेड टू द अपर प्रीमोलर एंड लोअर मोलर फॉर सीयरिंग ऑफ फ्लेश। दोस्तों जो मांसाहारी जीव होते हैं वो प्रयोग करते हैं ये प्रकार का दांत होता है जो खाने के लिए फ्लेश को प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। कार्न मीन्स होता है फ्लेश या मीट, इसका हिंदी अर्थ होता है मांस। कार्नेज होता है दोस्तों मास स्केल ऑफ द डेथ ऑफ पीपल, दोस्तों बड़े पैमाने पर लोगों की जब हत्या होती है उसे कहा जाता है कार्नेज। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड होता है हत्याकांड। कार्नाल होता है दोस्तों रिलेटेड टू द बॉडी और फ्लेश, दोस्तों जो बॉडी या फ्लेश से संबंधित होता है उसे कार्नाल कहा जाता है। कैरियन होता है दोस्तों ऑफ फ्लेश व्हिच इज अनफिट फॉर फूड, दोस्तों मांस जो खाने के लिए अनफिट या ठीक नहीं होती उसे कहते हैं कैरियन। इनकार्नेट दोस्तों रिलेटेड टू द बॉडी फॉर्म, दोस्तों इनकार्नेट होता है जो हमारे बॉडी को हमारे बॉडी के फॉर्म से संबंधित होता है, किस प्रकार से उसको उसका शेप होगा उससे संबंधित होता है। इनकार्नरेशन दोस्तों आइडिया विच गिव टू पर्सोनिफिकेशन, एक आइडिया विचार को दोस्तों जिसे मानवीकरण रूप प्रदान किया जाता है उसे इनकार्नरेशन कहते हैं। री इनकार्नरेशन दोस्तों रीबर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का पुनः जन्म उसे कहते हैं री इनकार्नरेशन। डी इनकार्नरेशन दोस्तों रिमूव ऑफ एसेंस, दोस्तों बॉडी में से उसे अलग कर देते हैं जिसका दोस्तों उसका महत्व या उसका एसेंस कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। चार्नेल होता है दोस्तों इंडिकेटिव ऑफ बैड डेथ, दोस्तों किसी की खराब मौत जब होती है उसे कहते हैं कार्नेल। उसके बाद है कार्निवाल, इट इज अ पब्लिक फेस्टिवल टेक प्लेस इन स्ट्रीट, दोस्तों एक पब्लिक फेस्टिवल है जो वहाँ गलियों में होता है उससे संबंधित है। कार्नेसल दोस्तों इट इज अ रिलेटेड टू द अपर प्रीमोलर एंड लोअर मोलर फॉर सीयरिंग ऑफ फ्लेश, दोस्तों कार्नेसल होता है जो संबंधित होता है अपर मोलर या लोअर मोलर जो दांत से संबंधित होता है मांस को खाने के लिए। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम पर। आप सभी साथियों का धन्यवाद।